तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही हैं। इंडिया में और वर्ल्ड वाइड ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिससे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। उनमें से ही तीन एप्लीकेशंस स्नैपडील, अमेज़न और फ्लिपकार्ट लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। और वहीं अगर ये एप्लीकेशंस बहुत पॉपुलर हैं तो इनमें कंपटीशन भी होगा, और जहां कंपटीशन वहां कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कंपैरिजन स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अमेज़न के बीच। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप वीडियो की आखिर तक बने रहिए। मैं हूं आपका होस्ट विराट शर्मा और आप देख रहे हैं VS Facts। स्नैपडील एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है जो न्यू दिल्ली, इंडिया में स्थित है। स्नैपडील पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, शूज और होम एंड किचन अप्लायंसेस जैसी हर चीज़ें अवेलेबल हैं। वहीं अमेज़न एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। अमेज़न पर हाउसफुल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, क्लोथिंग, बुक्स एक्सेट्रा अवेलेबल है। अमेज़न पर आपको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। अमेज़न को इंडिया की बेस्ट शॉपिंग साइट्स में से एक माना जाता है। वहीं फ्लिपकार्ट एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है जो बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया में मौजूद है। यहाँ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत बेहतरीन होती है। अमेज़न जैसे फ्लिपकार्ट पर भी डेली ऑफर्स दिए जाते हैं, पर फ्लिपकार्ट का दिवाली सेल बहुत मशहूर है। इस सीज़न में फ्लिपकार्ट के विजिटर्स तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। अमेज़न की शुरुआत जुलाई 5, 1994 में हुई थी, यानी आज से 26 ईयर्स पहले इसकी शुरुआत जेफ बेंजोस ने की थी। वहीं फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में हुई थी, यानी आज से 14 ईयर्स पहले इसकी शुरुआत सचिन बंसल और बेनी बंसल ने की थी। स्नैपडील की शुरुआत आज से 11 ईयर्स पहले हुई थी, यानी 2010 में। इसके फाउंडर्स कुणाल बहल और रोहित बंसल हैं। स्नैपडील की शुरुआत 4 फरवरी 2010 में डेली डील्स प्लेटफॉर्म के तौर पर हुई थी। सितंबर 2011 में ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना दिया गया। देखते ही देखते ये सबसे बड़े मार्केट प्लेस में से एक बन गया। वहीं जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत जुलाई 1994 में की थी। मई 1997 में अमेज़न को पब्लिक कंपनी बना दिया गया। 1998 में अमेज़न म्यूज़िक और वीडियोस बेचा करता था। वक्त गुजरा और इन्हीं सालों में अमेज़न ने वीडियो गेम्स, होम इम्प्रूवमेंट आइटम्स, सॉफ्टवेयर्स और गेम्स अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने शुरू कर दिए। अक्टूबर 2007 में सचिन बंसल और बेनी बंसल ने फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। शुरुआत में फ्लिपकार्ट बुक्स सेल पर फोकस करता था। 2008 तक फ्लिपकार्ट को 100 ऑर्डर्स आने लगे। 2012 और 2013 के बीच फ्लिपकार्ट ने कई कंपनियों से पार्टनरशिप की और आज ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट है। स्नैपडील में 3,667 एम्प्लॉयज काम करते हैं। वहीं अमेज़न में 12,98,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और वहीं फ्लिपकार्ट में 30,000 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। स्नैपडील और फ्लिपकार्ट इंडिया में ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहीं अमेज़न वर्ल्ड वाइड सर्विस प्रोवाइडर है। ऑनलाइन मार्केट में अमेज़न फर्स्ट रैंक पर, फ्लिपकार्ट सेकंड रैंक पर और स्नैपडील थर्ड रैंक पर है। स्नैपडील का रेवेन्यू 130 मिलियन यूएस डॉलर्स है और अमेज़न का 386.7
$64 बिलियन है और वहीं फ्लिपकार्ट का $6.1 बिलियन। फ्रेंड्स, आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।